आज फिर हम आपके लिए इतिहास के पन्नों से कुछ निकाल के लाए हैं। जी हाँ, आज 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हुआ था, यानी कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति जो एक शिक्षाविद भी थे वो आज ही के दिन मरे थे, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति का पद संभाला। उनके सम्मान में उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को राधा कृष्णन दिवस के रूप में मनाने की पहल की, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव को सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हुए 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के थिरुत्तानी में हुआ था। साल 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आज 17 अप्रैल 1975 को क्या हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु हुई थी आज की ही तारीख को। तो आज इतिहास के पन्नों से इतना ही, फिर मिलते हैं अगले।